नमस्कार दोस्तों, UNKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब UP SSSC PET के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र बुक से कवर कर रहे हैं। देखिए, आज हम सब इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पाठ देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम सब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। यदि आप सब नहीं देखें देख लीजिएगा। देखिए, पहले पार्ट में हम सब दो चैप्टर कवर किए हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कुल 5 चैप्टर दिया गया, तो हम सब दो चैप्टर पार्ट वन में कवर किए। तो देखिए, जो पहला चैप्टर हम सब कवर किए थे वह स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष था, और दूसरा चैप्टर जो था वह स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। देखिए, इन दो चैप्टर को हम सब पार्ट एक में कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो पढ़ेंगे इस पार्ट दो में, देखिए हम सब इसमें 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो इसमें तीसरा चैप्टर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और देखिए विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हम सब देखिए, यही 3 चैप्टर आज हम सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पार्ट दो में देखेंगे। और देखिए, हम सब जो है भारतीय इतिहास को हम सब कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास से भी एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाएंगे, तो हम सब 5 अंक देखिए कवर कर चुके हैं। यदि आप सब वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको सभी वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत यह तीसरा चैप्टर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। पहला पॉइंट दिया है कि बी.डी. सावरकर। देखिए, बी.डी. सावरकर का जो पूरा नाम है वह विनायक दामोदर सावरकर है, याद रखिएगा। तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो आप सब इसे याद रखिएगा, जो मित्र मेला स्थापित किया गया था वो बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था, और देखिए 1904 में एक गुप्त सभा द्वारा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गए। देखिए, मित्र मेला ही जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गए, याद रखिएगा। यह जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, जतेंद्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि जतेंद्रनाथ मुखर्जी कहाँ के क्रांतिकारी थे, तो बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी, अभी याद रखिएगा। तो जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। और देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। देखिए आप सब, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखिए, पिछले साल PET 2021 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। देखिए, यही पूछता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो याद रखिएगा 1924 में कानपुर में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। आप देखिए, एक करंट का घटना याद रखिएगा कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, याद रखिएगा। देखिए, काकोरी कांड के जगह काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसे याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई।
देखिए यह याद रखिएगा, जो काकोरी ट्रेन कांड है, काकोरी ट्रेन एक्शन आप पूछ सकता है, जो घटना यह घटी थी यह 9 अगस्त 1925 की घटी थी, आप डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, HSRA की स्थापना, वह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में हुई, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। याद रखेगा, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो देखिए पूछ लेता कि यह किस संगठन से संबंधित है, तो याद रखेगा ये जो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यह HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से इनका संबंध था। और देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, यह भी याद रखा। देखिए डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी दिन इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेना ने आयोजित किया था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए सूर्यसेना ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। पूछ सकता है एग्जाम में कि किसने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, देखिए सूर्यसेना ने की थी। अगला देखते हैं, देखिए लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की, यह भी याद रखिएगा। और देखिए 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। देखिए जो जतीन दास थे वह देखिए लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे और देखिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया, और देखिए 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और दिसंबर 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई, और भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता, याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि यह किसका कथन है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो यह देखिए भगत सिंह की यह देखिए कथन है, उन्होंने यह कहा था। देखिए फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जैसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी, देखिए आप लोग याद रखिएगा। यह जो गदर पार्टी है, यहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछा था पिछले साल PET में, तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को देखिए लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। और देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। आगे बढ़ते हैं, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल यानी जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, और भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। देखिए यह जो पॉइंट है यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय क्रांति की माँ के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो देखिए भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए कामा गाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, देखिए एग्जाम पूछा गया कि कामा गाटामारू क्या है, तो देखिए यह एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तो देखिए हम सब एक चैप्टर कवर किए हैं, अब हम सब अगला पढ़ेंगे, देखिए यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत यह चौथा चैप्टर है।
देखिए यह चैप्टर है कि विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। देखिए हम सब अब इसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। याद रखिएगा, एग्जाम पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो देखिए 1773 ईस्वी में पारित किया गया। किसके लिए? तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए, यानी उनको दूर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और देखिए उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश भी थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। और देखिए कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने सख्त के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया, तो अभी आप लोग याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के का अधिकार को, यानी चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। और देखिए 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। अगला पॉइंट है कि बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 की गई थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी, यह भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है, ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। और भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि भारत में कब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो देखिए 1926 में। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया गया।
और वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग यानी FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC कर दिया गया। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि कब जो है संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, तो याद रखिएगा 1950 में संविधान लागू होने के बाद। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और देखिए भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। देखिए यह जो पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, या देखिए यह बहुत बार पूछा गया, देखिए यह पॉलिटिक के अंतर्गत भी बहुत बार पूछा गया और देखिए इसमें पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की, यह भी याद रखिएगा। अब देखिए अब हम सब पढ़ेंगे, देखिए अंतिम चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, यह पांचवा चैप्टर है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के बारे में अब हम सब जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। देखिए एग्जाम में यह पूछा गया कि कहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, तो याद रखिएगा आप सब यहाँ पर वर्धा में, देखिए यह वर्धा जगह है इसे आप लोग याद रखिएगा। तो वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया, वर्धा देखिए इस जगह को याद रखिएगा। और देखिए इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने ही की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो देखिए यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया उसकी जो घोषणा की गई थी वह 8 अगस्त 1942 को की गई थी, इस तिथि को याद रखिएगा, एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और देखिए 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अगला पॉइंट है कि इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद से सहयोग से बनाया था और हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यह भी आप याद रखिएगा। देखिए यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में प्रश्न कठिन पूछना रहता है तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि किसने विरोध किया था या कौन शामिल हुए थे। तो देखिए इसको याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यानी इन सब इसका विरोध किए थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, यह याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। देखिए अभी हम सब पढ़े हैं कि जो इसकी घोषणा की गई थी वह देखिए 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई थी, लेकिन देखिए यह जो यहाँ पर हम सब देखते हैं इसका जो आंदोलन आरम्भ हुआ था वह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, तो आप सब इसे याद रखिएगा। देखिए आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो देखिए गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो भारत का प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ
देखिए जो था वो अवेलेबल था, इसे भी आप लोग याद रखें, एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था, और राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी, और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर यानी महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे, यह भी आप लोग याद रखें। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन पत्रकार जो उनके साथ थे, तो अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना, यह भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि किस आंदोलन के अंतर्गत देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही। और देखिए बलिया, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठन किया गया। देखिए यह जो पॉइंट है यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस जगह पर या किसके द्वारा जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया था। देखिए बलिया में, कहाँ पर, बलिया में जो है अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के द्वारा जो है के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जाति सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सतारा जो देखिए महाराष्ट्र में है, अगस्त 1943 के मध्य से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई, इसके प्रमुख नेता वाई चौहान एवं नाना पाटिल थे। और देखिए अगला पॉइंट है कि बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। देखिए जो कहा था वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा, देखिए अब ओडिशा के कटक में हुआ था, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वह 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अब देखिए इसे भी याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है या करंट का वर्तमान में। अब देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों यह जो पॉइंट है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार जो यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ है देखिए उसमें यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था, इसलिए देखिए घटना चक्र बुक को पढ़िए। देखिए आप 10 किताबों को मत पढ़िए, बल्कि हम यही कह रहे हैं कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए आप बहुत फायदा होगा, लेकिन आप ये नहीं कि 2 किताब 3 किताब मत पढ़िए, बस किसी भी एक ही बुक को पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, उसका रिवाइज कीजिए, देखिए आपका सिलेबस अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यह जो पॉइंट है यहाँ से एग्जाम में खुद देखिए यही पूछा गया था, पूछा था कि किसने जो है यहाँ पर देखिए पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देशनायक की उपाधि से सम्मानित किया था, तो देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सम्मानित किया गया था, यह देखिए जो प्रश्न है यह लेखपाल में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, यह भी पूछ सकता है कि किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो देखिए अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना
मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, अभी याद रखिएगा। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। अगला है कि आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आशा पल्ली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिला, इसे आप लोग याद रखेगा, जो कैबिनेट मिशन था वह 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री यह थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। एग्जाम में पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार शासन व्यवस्था को अपनाया, किस प्रकार का, तो देखिए वह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। अगला पॉइंट है, देखिए दिया कि कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। और देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, अभी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। और देखिए वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था, यह भी याद रखिएगा। तो वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया है, 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी, याद रखिएगा। एग्जाम में यह काफी बार पूछा गया कि सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया, तो देखिए वह 16 अगस्त 1946 को देखिए यह सुनिश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, यह भी याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। और देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। देखिए जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उस समय जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, देखिए वह एक अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। और देखिए जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई दिल्ली में तब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक इसी पद पर रहे। देखिए एग्जाम पूछा गया कि जिस समय यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब कौन थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर थे। अगला पॉइंट है, देखिए जीवी मावलंकर वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, अभी आप लोग याद रखिएगा। तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अब देखिए माउंट बेटन योजना जो 3 जून 1947 को आया के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। आगे देखते हैं, देखिए गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। और देखिए 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां जिसे देखिए सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है ने मतदान किया था। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। और देखिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुचेता कृपलानी ने गाया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी थे, याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जिसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालचारी थे। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे वह बी आर अम्बेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पड़कर ने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब देखिए हम सब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम सब थोड़ा जो विविध है इसे हम सब जान लेते हैं। देखिए आमार सोनार बंगला, देखिए विविध से एग्जाम में प्रश्न बनने के बहुत अधिक चांस रहते हैं, इसलिए आप इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, याद रखिएगा। तो आमार, देखिए बाद में इसे जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना दिया गया। तो आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला पॉइंट है कि भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त है। एग्जाम पूछता है कि जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया, तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को। और देखिए इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं, देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो अन्य प्रमुख रचनाएं है पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा, जयद्रथ वध, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। देखिए जो उड़ीसा अकाल जो पड़ा था वो 1866-67 के दौरान पड़ा था, इसे भी याद रखिएगा। और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी या कैलिमिटी कहा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जी वी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, यह भी याद रखिएगा। और देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था, इसे भी याद रखिएगा। और जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यानी देखिए हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह महात्मा गांधी ने कहा था जब भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त 1942 यहाँ पर देखिए 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। देखिए एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि यह किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो देखिए यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा और जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, अभी याद रखिएगा। और देखिए डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे, यह आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अब देखिए यहाँ पर हम सब देखिए पत्र पत्रिका पुस्तकें और उसके लेखक, देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने के चांस रहते हैं तो एक बार हम सब देख लेते हैं। देखिए हिंद स्वराज, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट हैं। केसरी बाल गंगाधर तिलक, देखिए केसरी और मराठा दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इंडिया मींस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, और देखिए अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण, स्प्रिंग टाइगर, देखिए ह्यूगटोवे, और यहाँ पर देखिए अगला कि एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, फिलिप्स टालबार्ट, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, अंधायु धर्मवीर भारती। तो देखिए इससे आप लोग याद रखेगा, यह जो है कुछ प्रमुख पत्र पत्रिका पुस्तक और उसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, और हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा, कामानी जयशंकर प्रसाद, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय के द्वारा, और देखिए इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास के द्वारा, रंस एंड रूइंस सुनील गावस्कर के द्वारा, मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा, प्लानिंग एंड दी पुअर बी एस मिन्हास के द्वारा। अब आगे हम सब बढ़ते हैं, देखें यहाँ पर जे एच व्हिटले इसके अध्यक्ष हुए, और बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है, याद रखेगा बंगाल दुर्भिक्ष का जो वर्ष है वह 1943 है। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुण निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब देखिए प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जुद्दूनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे, उन्होंने यहाँ पर देखिए अल नदवाह का प्रकाशन किया, याद रखिएगा। तो अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे, उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1997 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, और देखिए भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो, देखिए एक विलुप्त पक्षी है, तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में, याद रखेगा, तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह फ्रांस में 1789 में हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि, देखिए 1947 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 64 के दौरान 17 मई 1964 को हुई। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद और प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, और वर्ष 1919 में, देखिए वर्ष 1999 नहीं है, तो वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संख्या दी गई थी, याद रखिएगा। तो जो ऑपरेशन विजय का जो संबंध है वह कारगिल विवाद से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब देखिए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है, और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा यह मनाया जाता है, उनके याद में देखिए यह मनाया जाता है।
और देखिए प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। अब आगे हम सब बढ़ते हैं, देखें यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, याद रखिएगा हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया। देखिए ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है, और हम सब अभी पढ़े हैं जो वहाँ पर विजय कथा और कारगिल युद्ध से, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अभी देखिए हम सब यह ऑपरेशन जो विजय है वह कारगिल से संबंधित है, और देखिए जो ऑपरेशन पोलो है वह हैदराबाद रियासत से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगेरियन कैलेंडर है, और देखिए मदर टेरेसा, आगे हम सब अब देखते हैं, मदर टेरेसा का जन्म वर्ष 1990 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। और फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है, याद रखिएगा फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव सिरिमाओ भंडारनायके जो श्रीलंका की थी इन्हें ही प्राप्त है। तो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वह सिरिमाओ भंडारनायके हैं, जो श्रीलंका से इनका संबंध है। और देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। और देखिए चीन के लियांग प्रांत के निवासी साइलूर ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था, याद रखिएगा जो कागज का निर्माण हुआ था वह चीन में हुआ था, और देखिए किसके द्वारा, तो साइलून के द्वारा 105 ईस्वी में। अब देखिए हम सब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो उपनाम है लोकप्रिय व्यक्तियों के उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, देखिए इसे याद रखिएगा, एग्जाम में भी यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, देखिए इनका जो उपनाम है वह सीमांत गांधी है, और इन्हें तो जानबे करते हैं आप लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपनाम है, और बापू महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, और देखिए पंजाब केसरी लाल लाजपत राय को कहा जाता है, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को, बंगबंधु देखिए शेख मुजीबुर रहमान को, देशबंधु चित्तरंजन दास को, दीनबंधु सी एफ हेनरीज को। देखिए जो बंधु हैं इन्हें आप लोग ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ताकि आप सब एग्जाम में गलती न करें, मैं इन्हें मार्क कर देता हूँ, आप सब इसे एक बार और रट लीजिए। देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु सी एफ हेनरीज, इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक फेमस हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, मैन ऑफ डेस्टिनी और देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए इनका उपनाम है नेताजी, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, और देखिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़नपरी पी टी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तूतीय हिंद या तोता हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी देखिए जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, और देखिए फ्यूरर एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। तो देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला यहाँ पर हम सब देखते हैं, अगला जो है वह है कायदे आजम, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर, यानी देखिए हम सब जो है 5 नंबर कवर कर चुके हैं। तो देखिए आप लोग जो इसका पार्ट 1 है और पार्ट जो दूसरा सब यह पढ़े हैं, इन दोनों को आप देख लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में इन्हीं में से 5 नंबर देखने को मिलेगा, इतना मैं एकदम कह सकता हूँ। इन्हीं को आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, आप लोगों को यहीं से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,
उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के आप लोग और भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।